पृथ्वीवासी मनरु कोरोना महामारी भय न चाहणु पुणी माड़ आसुची सौर झड़ तेब यही सौर झड़ कौन या पछरे कौन रहस्य रही क्षतिकारक ए विषय कथा आम सहित आज पठाणी सामंत प्लानिटोरियम डेप्युटी डायरेक्टर शुभेंदु सर अच्छा सहित कथा सर प्रथम तो स्वागत करुँ पीपीएल न्यूज को सर प्रथम जानवाक चाहिए ये जो सौर झड़ आसूर आपखे कौन तथ्य रही देखु जो सौर झड़ी आसूबा जहाँ विषय चर्चा होता प्रकृत आम सूर्यटर जुलाई तीन तारिख रू बाहर सेटा एबे आसंता 12 14 घंटा भितर पृथ्वी को टपिकी पुणे आग को बढ़ी चलो सौर झड़ कहले आम पृथ्वी जो झड़ हो जानूचे पवन जोर बोचे धूली उड़ूचे किंतु से भाया सूर्यर जो झड़टी आसी था गोटे मेचे बहुत गोटे शक्तिर समष्टि शक्ति भितर बहुत प्रकार कणिका रही जमीक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब रही से गुड़िक आसी सूर्यर सूर्यर आम जाचे सबूब गोटे आम चली आणविक रिएक्शन चली तो से बेले बेले कौन हुए गोटे बड़ बड़ विस्फोरण होता है तो विस्फोरण फल से छिटकी बहुत शक्ति बाहरी आसता है जो थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था युड़क प्रकृत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र गोटे गोटे मानते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन बा एरिया बोली आमे कही पर एका समय आसूची आ सूर्यटर बाहर कर पृथ्वी टपी चली से जितेबाला पृथ्वी निकट में पहुँचे से पृथ्वी पृष्ठ में जोटी जोटी चुंबकीय क्षेत्र को व्यवहार कर जंत्रपाति ताइट कि इंटरफेरेन्स अफेक्ट हो पाए तो से गुड़िक अच्छी आम जमीक पावर सप्लाई जो पावर जेनेसन हुए से जगह आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आम यूज करता तेणु से जगह किसी इफेक्ट हो पाए तापर हुए तो केते बेले आमर ए जो टेली जोगाजोग हो आमर जो ये हो आमर सैटेलाइट हो सेगुड़िकर प्रभाव पकई पारे किंतु सेगुड़िक बहुत कम समय पे पड़िबो तेनो सेति पे किछि व्यस्त होवार नै आ मनुष्य ऊपर तार कोनोसी प्रभाव नै कहय बोले सर आम जमी जानू जे आज सौर झड़ पृथ्वी पृष्ठ को आसी पारे तबे यार कोन समय सीमा कोन रहइबो देखो ये गोटे विराट बड़ अंचल जोटी एकाठी गुड़ाए मानते जमी गोटे मेघ जाऊँच से विराट बड़ मेघ एत बड़े पृथ्वी टू तार आकार बड़ तो सी ता भितर दे पृथ्वी चली जा तो सहीटा पास करा को 12-13 घंटा लगी पारे तेणु से आसिक पुणी चल जाए विराट बड़ अंचल तो आती निर्दिष्ट यही समय पर्टिकुला एति घंटा एति मिनिट्रे पहुँचो सेमती किसी नहीं कितु प्राय 12 घंटा भितर दे कि पृथ्वी चली जा सर आम एम देखुचे कि दीर्घ 12-13 घंटा पृथ्वी पृष्ठ से तार प्रभाव रही पारे प्रभाव में कौन सब बंद रही पार लोक मैंने क्षतिग्रस्त हे देखु यहीटा जमी आमर धरतु गोटे धूली उड़ू बात्या पृथ्वी में धूलीटा सब जगह सामान जाऊनी कौटी कौ घर बेस कौटी गछटे भांगी जाऊँच तो से भाया जो यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा आसो जो जो जगार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रही जमीक पावर स्टेशन सब पावर स्टेशन रही कि आम सब जगह से एफेक्ट करें जोटे अधिका तार क्वांटिटी थी ये थी से जगह हुए तो से एफेक्ट करपे जमीक टेली जोगाजोग खूब कम समय पर सीटा एफेक्ट कर मे भी कटि जाइपे के गोटे स्पार्किंग पारे जमी झिलझिल जाए टी तो से भाया कि गोटे घटना घटी पारे सर जो दीर्घ 12-13 घंटा रहा से प्रभावित कर विभिन्न प्रकार असुविधा होतापर आ कि प्रभाव तार रही कि असुविधा हे कि ना ये थे पास कर चलीगले तार किसी प्रभाव ना कि आम जाचे धरतु गोटे बड़ क्षति घटेला धरतु गोटे पावर स्टेशन बंद होगा तो गोटे पावर स्टेशन बंद है आउ थे चलने का 8-10 घंटा लगी था तो सहीटा जहाँ क्षति ना आउ किसी सेमती तार क्षति हबार ना कौन प्रकार मानने अधिक विपर्य सृष्टि करना सर यही सौर झड़ आगर के सृष्टि होता देखु गत 4 वर्ष तले गोटे ये झड़ होता जोटा कि पाखापाखि एत बड़ जोटा आम बर्तमान हो सब झड़ हो केतबाला पृथ्वी आड़क आसे केत पृथ्वी आड़क आसे ना तेणु सबुठ बड़ झड़ जो आम जाचे से 1999 मसीह घटी जितेबाला कि कानाडार गोटे पावर स्टेशन प्राय 12 घंटा बंद होता मैंने कानाडार किसी अंचल संपूर्ण भाव में ब्लाकआउट होता है मैंने पावर सप्लाई बंद हो जाता कि बर्तमान विगत 30 वर्ष भितर आम बहुत आडभांस कर ताकू किपरी प्रतिहत करहब से विषय में सब प्रिकसन्स नि तेणुता विषय में सब वैज्ञानिक मैंने सचेतन ही रही तेणु किसी बेस क्षति हबार संभावना ना कह सर आग को ये कि मारात्मक झड़ पृथ्वी पृष्ठ को आसवर संभावना अच्छी किसी आकलन कर देखु बर्तमान सोलार वेदर नामक गोटे संपूर्ण भिन्न विज्ञान बर्तमान परिचर्चा होती कि आम सूर्य जो वेदर रही पापाग रही विषय पूरा स्टडी करें बहुत स्टडी तापर कर सारे आगु आम प्रेडिक्शन करें यहाँ कहीं आम जा सारे कौन कारण ये झड़ हो तो निश्चिंत भाव में केवे हम कौन हम आगु अनुमान जना जापर आदि से भाया किसी विपद आसे किपर आम हैंडल करें से निश्चिंत वैज्ञानिक मैंने
बाहर करदे। सर आ गोटे जिनस जानवा को चाहिए जे सूर्य भितर तो सब कि प्रतिक्रिया हो था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भितर कि मानने आक्शन चली था तेज ये सौरझड़ से जो सब आक्शन कार्यक्रम होना आउ कि भी मनुष्यकृत जो व्यवहार होवेश संतुलन रक्षा होनी कि प्रभाव पड़ू कि नहीं। सौरझड़ संपूर्ण सूर्य उपर हो पृथ्वीर जहाँ आम करे परेश नष्ट करे तार कौन प्रभाव ना कारण सूर्यर आकार बहुत बड़ आठी आम आणविक प्रक्रिया चलती जोटि पृथ्वी से आणविक प्रक्रिया नहीं निजस्व प्रक्रिया जो थी कि बहुत ताप उत्पन्न होपरिक सूर्यर पृष्ठभाग हो 202 कोटी डिग्री सेंटीग्रेड हम जोटा बहुत अधिका तेणु से तार से कत गोटे विस्फोरण है कौन है से भाया झड़ सृष्टि होगा सब बेले हूँ नुहे आज हूँ खाली बा 10 वर्ष तपर हो सब होते छोट होते बड़ हो जो विस्फोरणटी सीटा एत शक्तिशा से किसी अधिका शक्ति बाहर को छाड़ तेनालीका यहाँ सृष्टि निमें कह साधारण भाव प्राकृतिक झड़ बस एबे टिके किछ अधिक रूप नहीं शेषे सर आप दर्शक मान कौन कह चाहिए कारण सौर झड़ गोटे टर्म शुणिला मात्र के दर्शक मैंने टिके भयभीत हो जाइंट तो कौन कह चाहिए देखो कौन सी भयभीत एथेर हबार ना यहाँ गोटे साधारण घटना आउ तापर आम बहुत अधिक ज्ञान जाने आपण मैंने विज्ञान को विश्वास करूँ विज्ञान विषय अधिक जानतु जहाँ भल कथा चारिड़े प्रचार हो लोक भयभीत हो कि भयभीत होवार कौन कारण ना आम विज्ञान को जिते जल्दी बुझा जिते अधिक बुझा से जीवन सुगम सरल हो। धन्यवाद सर। आपण मैंने शुणुते आम पाखे थे डिप्यूटी डायरेक्टर शुभेंदु सर तो से कहवा कथा कि यह एक प्राकृतिक झड़ मात्र जहाँकि सूर्य सृष्टि हुए सूर्य जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रोचर जो आणविक प्रतिक्रिया होता फल कौन सी प्रकार भी भय कर कि कथा ना टी धर्य रखा पड़ो 12-13 घंटा भितर यह आमको पास कर। भुवनेश्वर प्रदीप सुभ्रज्योति भूं रिपोर्ट PPL News।